कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमस्कार। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गत 4 दशकों से बाघ संरक्षण की दिशा में सतत कार्यरत है। हम सभी के लिए ये हर्ष की बात है कि आज के कार्यक्रम के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के परिणाम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जानी है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से निवेदन करता हूं कि वे परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय एवं उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे साथी राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, मंत्री मंत्रालय के सचिव, नेशनल टाइगर अथॉरिटी के सभी अधिकारी, एक बाघों का मिशन ही है और उससे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा परम भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं देश में 4 साल में बाघों की संख्या की स्थिति क्या है और अब क्या हुआ है ये बताएंगे। 4 साल पहले मैंने जब आंकड़ा लिखा था बोर्ड पर 2226, तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तो और अच्छी तरक्की हमने की होगी। और वो इसका एक कारण है, कारण है कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का धरोहर की हिस्सा है कि हम प्राणियों को भी चराचर सृष्टि का हिस्सा मानते, उनको सगे सोयरे मानते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारे जीवन का, सारी वनस्पति और सारे प्राणी सृष्टि भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये चौथे साइकिल का आज रिलीज होगा और ये सर्वे, मुझे बहुत बधाई देनी है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 3.8 लाख 3,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का सर्वे हुआ, जो पैदल गए लोग इसको देखने के लिए वो 5,20,000 किलोमीटर उन्होंने घुमा स्क्वायर किलोमीटर। कैमरा ट्रैप्स 26,000 लगे थे, कैन यू इमेजिन, दुनिया में ऐसी तैयारी कभी नहीं होती। और इमेजेस 3.5 लाख आए और उसमें से 76,000 इमेजेस में टाइगर साइट हुआ। और पहले मुझे भी लगता था कि एक टाइगर दूसरा टाइगर एक सरीखा होगा, लेकिन बाद में मुझे अधिकारियों ने बताया कि ऐसा नहीं होता, उसका भी पहचान किया जा सकता है, हर एक का एक अलग, ये प्रकृति की योजना है। और इसलिए आज भारत इसमें गौरवशाली इस इतिहास में इकोलॉजी को प्रोटेक्शन के इस अद्भुत दुनिया में भारत अग्रणी है। और प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा 4 साल पहले आपने जो 13 देश बाघों का संरक्षण करते हैं या जहां बाघ है उनके मंत्रियों के परिषद को आपने मार्गदर्शन किया था और दुनिया से भी अपेक्षा की थी कि ये प्रकृति का संरक्षण हम करें। और उसका एक उदाहरण है बाघों का संख्या, बाघों की बाढ़, क्योंकि पूरा जंगल इकोसिस्टम कैसे है वो उससे पता चलता है। मुझे एक और खुशी की बात है कि पिछले 5 साल में जो फॉरेस्ट कवर देश में बढ़ रहा है, 15 से 17 तक तो 8,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, लेकिन 14 से 19 तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा ये फॉरेस्ट कवर देश का बढ़ा है। देश के पास जमीन कम है, पानी कम है, और फिर भी
और डिमांड ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है, फिर भी हमारा अगर जंगल बढ़ रहा है तो हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपने जो विजन दी है कि विकास भी होगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, वही हो रहा है। और अभी 14वें, एक अंत में कहूंगा मैं, 14वें वित्त आयोग ने लगभग ये कहा था कि 7.5% ये बजट उसका रहना चाहिए पर्यावरण का और जंगल और फॉरेस्ट का, लेकिन अनेक राज्यों में नहीं होता क्योंकि वो अलग से लिखा नहीं था। जब केंद्र ने 32 से 42% किया तो उसका एक बड़ा हिस्सा इसके संरक्षण में भी जाना चाहिए, और इसलिए मुझे विश्वास है कि 15वें वित्त आयोग में भी ये मुद्दा आएगा। आज हमारा भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं और वही खुद टाइगर की रिलीज करेंगे। आज पूरी दुनिया देखेगी, आज पूरी दुनिया देश को नवाजेगी और पूरी दुनिया को, दुनिया सलाम करेगी बीजेपी भारत को कि एक प्रकृति का इतना बड़ा काम और प्राणी संरक्षण और बाघों के विकास का इतना बड़ा काम भारत ने किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सचिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अनुरोध करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को एक प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। आज इस कार्यक्रम में 3 विभिन्न रिपोर्ट्स का विमोचन किया जाना है। सर्वप्रथम देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व्स के प्रभावी प्रबंधन की समीक्षा के संबंध में मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2018 का विमोचन करने हेतु मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित की गई मी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित की गई मी रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी टाइगर रिजर्व्स में बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से सबसे बेहतर प्रगति करने हेतु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को चुना गया है। वी नागनाथन, फील्ड डायरेक्टर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे माननीय प्रधानमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करें। बाघ संरक्षण न केवल वनों के संवर्धन में बल्कि देश की आर्थिकी को भी सशक्त करने में अपना योगदान देता है। NTCA और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के पार्टनरशिप में देश के 10 विभिन्न टाइगर रिजर्व्स के इकोलॉजिकल सर्विसेज का इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया गया है। अब मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से इस रिपोर्ट का विमोचन करने का अनुरोध करता हूँ। रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 को देश भर के टाइगर रिजर्व्स व उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ, वैज्ञानिकों व स्थायी लोगों के सहयोग से संपादित किया गया है। इस एस्टिमेशन प्रोसेस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि बटन दबाकर काउंटिंग टाइगर फिल्म के ट्रेलर को जारी करें।
The tiger is arguably the most beautiful, dramatic, and exciting animal in the world. The thrill of watching a tiger in the wild is an experience no one will ever forget. But for how much longer will we be able to enjoy this privilege? There are less than 4,000 tigers left in the world, and those that remain are under constant threat. Over 70% of the world's tigers live here in India. So what happens to India's tigers will have a profound effect on the future of this animal. Every 4 years, the Indian government undertakes a count to check the health of the population of tigers. If the number's gone up, all well and good. If it's gone down, things are looking grim. But how do you count tigers accurately? Foresters and scientists will trek across 500,000 square kilometers to collect physical signs of tigers. Our camera teams will accompany the scientists and thousands of forest officials as they look for tigers across an astonishing range of India's landscapes. So we'll take the viewer from the dry grasslands of Assam to the lush green of the Western Ghats. You can find tigers in almost desert-like conditions, and we'll look for them in the steaming mangrove swamps of the Sundarbans. It's the biggest wildlife survey ever undertaken anywhere in the world. As we travel the length and breadth of the country, we'll give the viewers an exclusive insight into the whole business, sometimes scary, of counting tigers. अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में पहुंच चुके हैं। वर्ष 2006 से शुरू होकर प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के परिणामों का पूरे विश्व के संरक्षण समुदाय को इंतजार रहता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट का विमोचन करें। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से चौथी टाइगर एस्टिमेशन के परिणाम को बटन दबाकर पूरे विश्व के समक्ष रखने हेतु अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, सबसे पहले आप सभी को ग्लोबल टाइगर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष का ग्लोबल टाइगर डे इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, दुनिया भर के वन्य जीवी प्रेमियों को, इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी, हर कर्मचारी और विशेषकर वन प्रदेशों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, टुडे ऑन ग्लोबल टाइगर डे वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द टाइगर। द रिजल्ट्स ऑफ द जस्ट डिक्लेयर्ड टाइगर सेंसस वुड मेक एवरी इंडियन, एवरी नेचर लवर हैप्पी। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. This is one of the finest example of Sankalp Se Siddhi. Once the people of India decide to do something, there is no force that can prevent them from getting the desired results. साथियों, मुझे याद है कि 14-15 साल पहले जब ये आंकड़े सामने आए थे कि देश में सिर्फ 1400 टाइगर रह गए हैं, तो ये बड़े डिबेट का विषय बन गया था, चिंता का कारण बन गया था। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था। लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटेट में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। यहां उपस्थित आप में से कई लोग ये भी भली भांति जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को समृद्ध करने का यह अभियान सिर्फ टाइगर तक ही सीमित नहीं है। गुजरात के गीर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड के संरक्षण की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। बल्कि गीर में तो जो काम पहले से चल रहा है उसके सुखद परिणाम आज साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहां के शेरों की संख्या 27% तक 27% तक बढ़ी है। मुझे खुशी है कि भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ टाइगर रेंज के दूसरे मित्र देशों को भी मिल रहा है। आज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चीन, रूस समेत 5 देश समझौता कर चुके हैं और जल्द ही
दूसरे देशों के साथ समझौता भी तय है। ग्वाटेमाला तो अपने यहां जेगुआर कंजर्वेशन के लिए भी हमसे तकनीकी मदद ले रहा है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि टाइगर सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों में आस्था का प्रतीक है। भारत के अलावा मलेशिया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। चीनी संस्कृति में तो टाइगर ईयर मनाया जाता है, यानी एक तरह से देखे तो टाइगर से जुड़ी कोई भी पहल कई देशों को, वहां के लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, ह्यूमन एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ बेटर एनवायरमेंट, एंड सो द वे अहेड इज इन कलेक्टिवनेस इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिवनेस। वी नीड टू टेक ए ब्रॉड बेस्ड एंड होलिस्टिक लुक एट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देर आर सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स आउट देर दैट नीड अवर हेल्प। वॉट इज इट दैट वी कैन डू, आइदर थ्रू टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्शन, टू गिव देम ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ सो दैट they can add beauty and diversity to our planet. Also, there is a very old debate, development or environment, and both sides present views as if each is mutually exclusive. Lekin hame सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। आई फील इट इज पॉसिबल टू स्ट्राइक ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। और हमारा तो देश ऐसा है कि जहां हमें हजारों साल से सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई है। हमारे पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस होता है। ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है। सांप चूहे के खाने की आदत रखता है, लेकिन शिवजी अपना परिवार में सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना, पशु पंखी पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है। इन अवर पॉलिसीज, इन अवर इकोनॉमिक्स, वी हैव टू चेंज the conversation about conservation. We have to be both smart and sensitive and create a healthy balance of environmental sustainability and economic growth. India will prosper both economically and environmentally. India will build more roads and India will have cleaner rivers. India will have better train connectivity and also greater tree coverage. India will build more homes for our citizens and at the same time create quality habitats for animals. India will have a vibrant marine economy and a healthier marine ecology. This balance is what will contribute to a strong and inclusive India.
साथियों, बीते 5 वर्षों में जहां देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तेजी से कार्य हुआ है, वहीं भारत में फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा देश में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2014 में भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी 2014 के 43 से बढ़कर अब करीब करीब 100 को पार कर गई है। टाइगर की संख्या बढ़ना, प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या बढ़ना भी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव टूरिज्म और रोजगार के साधनों पर भी पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रणथंभौर में जो मशहूर टाइग्रेस मछली थी, सिर्फ उसे देखने के लिए ही लाखों देश विदेशी टूरिस्ट डेरा डालते रहते थे। इसलिए बाघों के संरक्षण के साथ ही हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी बल दे रहे हैं। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए भारत के तमाम प्रयासों ने हमें क्लाइमेट एक्शन का ग्लोबल फ्रंट रनर बना दिया है। वर्ष 2020 से पहले एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी के लिए भी जो लक्ष्य रखे गए थे, वो भारत पहले ही प्राप्त कर चुका है। भारत आज दुनिया से उन शीर्ष देशों में है जो अपनी इकोनॉमी को क्लीन फ्यूअल बेस और रिन्यूएबल एनर्जी बेस बनाने में जुटा है। वेस्ट और बायोमास को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एक व्यापक हिस्सा हम बना रहे हैं। इसके अलावा अब जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर काम हो रहा है, बायोफ्यूल्स पर काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, उससे भी पर्यावरण के हित जुड़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो हम बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 तक हमने जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने के लिए पूरी क्षमता से काम चल रहा है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आइसा के माध्यम से हम दुनिया के अनेक देशों को सोलर पावर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, एक दुनिया एक सूरज एक ग्रिड। उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाएं देश के सामान्य जीवन को तो आसान बना ही रही है, इससे पर्यावरण की भी सेवा होगी। देश के हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने भर से ही हम बड़ी मात्रा में पेड़ों को कटने, उनको नुकसान पहुंचाने से बचाने में सफल हो रहे हैं। देश के हर घर, हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर गली को एलईडी बल्ब से लेस करने से का जो अभियान चल रहा है, उसे बिजली तो बची रही है, कार्बन जनरेशन में भी बहुत कमी आ रही है और साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों में बिजली का बिल भी कम हुआ है, उनको आर्थिक रूप से फायदा भी हुआ है। साथियों, आज भारत की पहचान
दुनिया के उन देशों में हैं जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। पॉवर्टी एलिमिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में ही भी भारत विश्व अग्रणी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। एज वी सेलिब्रेट द नंबर्स टुडे, वी हैव टू रियलाइज दैट दीज मैजेस्टिक एनिमल्स आर फेसिंग डायर चैलेंजेस फ्रॉम एन एवर डिक्रीजिंग एंड डिस्टर्ब्ड हैबिटेट एंड इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिक। इंडिया इज कमिटेड टू डूइंग व्हाटएवर इट कैन टू फर्दर एनिमल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। आई वुड रिक्वेस्ट एंड पर्सनली आई वुड रिक्वेस्ट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज एंड ब्रिंग देम टूगेदर इन एन अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स टू इरेज डिमांड एंड टू फर्मली कर्ब पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन एशिया। Let me once again congratulate you on this World Tiger Day. Let us all pledge to create a green and environmentally sustainable country. Let the tiger be that symbol of sustainability. मैं इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े जो प्रयास हैं उनका और विस्तार होना चाहिए, उनकी गति और तेज की जानी चाहिए। इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोटोग्राफ के लिए बगल वाले हॉल में प्रस्ताव करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मे प्लीज।